अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सादिया चौधरी हेयर एंड इन दिस लेक्चर वी विल डू रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.1। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे और सीखा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। दो मेथड हमने सीखे थे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय लॉन्ग्रीन मेथड, जिसके जरिए से हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड किया था। आज के जो लेक्चर है इसमें हम लोग एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे और साथ में जो रिलेशन है इन एक्सप्रेशंस और एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान उसको भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने जो एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं दो, इन दो एक्सप्रेशन का हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम की जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने ये बताया था कि एलसीएम बेसिकली प्रोडक्ट होता है किसका, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे पहले इसके कॉमन फैक्टर्स भी निकालेंगे और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी निकालेंगे, फिर वहाँ से हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन, थर्टी नाइन का हम एलसीएम लेंगे, 3 1 3 3 3 9, तो 3 × 13 आ जाएगा और साथ में 7 टाइम क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, 5 6 एंड 7। नेक्स्ट 3 टाइम वाई आ जाएगा, 1 टाइम क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। इसी तरह से अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन की, 9 1 x 5 y 6 z 7। जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 91 का एलसीएम लेंगे तो ये 7 पे जाएगा, 7 1 7 7 3 21। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 13 और 5 टाइम x आ जाएगा एंड 6 टाइम y एंड 7 टाइम z, ये मैंने सारे फैक्टर्स इसके बना के लिखे हैं किस तरह से लिखे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने निकालना है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स निकालने। अब कॉमन फैक्टर्स कौन से है जो सेम होंगे दोनों में, यहाँ पे 13 नजर आ रहा है, 13 आ गया, x 5 टाइम्स, तो यहाँ पे 5 टाइम x लिख दूंगी मैं, 5 टाइम x आ गया एंड 3 टाइम्स y एंड 1 टाइम z आ गया, तो ये आ जाएगा 13 × x 5 y 3 एंड z। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं नेक्स्ट लिखूंगी नॉन कॉमन फैक्टर्स, अब नॉन कॉमन कौन कौन से हैं, 1 2, यानी मतलब 3 × 7। अब जो ये दो एक्स बाकी बच गए थे ये लिख दूंगी यहाँ पे, और यहाँ से ये जो 3 वाई बच गए थे जो कॉमन नहीं थे दोनों में वो लिख दिए, और नेक्स्ट ये जितने जी हैं मतलब 6 जी थे ये सारे जी जो क्या हैं अनकॉमन, अनकॉमन थे ये नॉन कॉमन थे ये मैंने लिख दिया, और यहाँ से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आएगा 21 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड जी 6, ये आ जाएगा। अब एलसीएम क्या था, एलसीएम की डेफिनेशन में लिखा था कि एलसीएम बेसिकली प्रोडक्ट है किसका, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो ये वाले हैं और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो ये वाले हैं। मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ट्वेंटी वन और जब 13 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 273 एंड ये एक्स और ये एक्स है दोनों की बेस सेम है तो ऑब्वियसली इनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे ऐड, तो ये 7 हो गया और वाई क्या आ जाएगा 6 और जी इसी तरह से क्या आ गया 7। यहाँ पे हम एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या करेंगे, यूज करेंगे।
तो ये मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन के मेथड से। जैसे हमें एसीएफ फाइंड किया था, इसी तरह से हमने अब क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, यानी फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का हम क्या करने लगे हैं, उसकी फैक्टराइजेशन करने लगे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मुझे 100 चाहिए और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके मुझे दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे क्या मिले, 25 मिले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x एंड माइनस 5x प्लस 100, क्योंकि 25 5 था क्या आ जाएगा 100, एंड 25 और 5 को मैं जब ऐड अप करूँगी क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है तो ये ऐड होंगे और ऐड होने के बाद मेरे पास माइनस 25 आएगा। x कॉमन निकालती हूँ तो x माइनस 20 आ जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन तो अंदर x, ये माइनस साइन इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। तो दो फैक्टर्स मुझे मिल जाएंगे, एक x माइनस 20 और x माइनस 5। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो है वो बहुत अच्छे से किया तो आपको फैक्टराइजेशन करने में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन उसको पहले करना अच्छा ज़्यादा ज़रूरी है। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे भी मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आना चाहिए, एंड सब्ट्रैक्ट करूँ तो माइनस 1। तो इंतहाई ईजी है, माइनस 5x प्लस 4x, वही एक बात के प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा मैथ आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। यहाँ से x कॉमन निकालूंगी तो x माइनस 5 आएगा, यहाँ से 4 कॉमन निकालूंगी तो अंदर x माइनस 5 4 द 20 आ जाएगा। तो एक फैक्टर x माइनस 5 आ गया और एक फैक्टर क्या आ गया, 4 आ गया। और यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना। अब इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो x माइनस 5 है दोनों में, और उसके बाद मैंने क्या फाइंड करना है, नॉन कॉमन फैक्टर। और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, यानी x माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 4। अब एलसीएम क्या होता है कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर्स को। मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, कॉमन क्या है x माइनस 5 और नॉन कॉमन क्या है x प्लस 4 एंड x माइनस 20। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम इन दो एक्सप्रेशंस का। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है, इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है और एलसीएम क्या करना है, फाइंड करना है। दो एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 2 इंटू एक्स रेस्ट पर 4 माइनस वाई रेस्ट पर 4, और सेकेंड एक्सप्रेशन है 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई स्क्र माइनस 2 वाई क्यूब। अब हम लोग पहले तो इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। आप यहाँ पे इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक फॉर्मूला है जो कॉमन आपकी बुक में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ, जिस तरह से वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ इसको। और ये दोनों फैक्टर एक दफ़ा प्लस में लिखे जाएंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखे जाएंगे। अब माइनस वाली को मैं अगेन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई में लिख सकती हूँ। ये एक ही फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा आपकी बुक में यूज़ हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फैक्टराइजेशन कर लिया मैंने इस वाले एक्सप्रेशन की, अब इससे ज़्यादा मजीद हम इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब सेकेंड वाले एक्सप्रेशन पे आते हैं, एक्सप्रेशन को देखते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई क्यूब। अब यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल सकती हूँ तो अंदर आ जाएगा एक्स प्लस 2 वाई, और इसी तरह से
यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकती हूँ वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, अंदर क्या आ जाएगा एक्स, ये माइनस इस साइन को क्या कर देगा प्लस, और दो वाई नहीं वाई स्क्वेयर बाहर आ चुका है तो अंदर क्या रह जाएगा एक वाई, टू वाई होगा। अब यहाँ से एक वेक्टर बन जाएगा एक्स प्लस टू वाई और नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को मैं मजीद फैक्टराइज कर सकती हूँ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई। अब नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर्स। अब जो कॉमन फैक्टर्स हैं, एक तो ये एक्स माइनस वाई और दूसरा क्या है एक्स प्लस वाई, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। नॉन कॉमन फैक्टर्स, अब नॉन कॉमन फैक्टर में के टू, इसी तरह से यहाँ से थ्री और नेक्स्ट ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और साथ में ये भी एक्स प्लस टू वाई, और इसको हम लिख सकते हैं थ्री टू द सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस टू वाई। और इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो ये वाला एक्सप्रेशन है अगेन, जिस तरह से हमने इसको यूं स्प्लिट किया था अब यहाँ से हम इसको यूं भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब ये कॉमन फैक्टर है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई ये वाला नॉन कॉमन फैक्टर सिक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और साथ में एक्स प्लस टू वाई। अब ये सिक्स स्टार्ट पे लिख लेती हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और नेक्स्ट क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू वाई। अब यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लग सकता है यही वाला सिक्स एज इट इज फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर और ये आ जाएगा सिक्स एक्स रेज टू पावर फोर माइनस फाइव रेज टू पावर फोर इंटू एक्स प्लस टू वाई। तो हम लोगों ने एलसीएम क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, ये हमारा एलसीएम है। ये तमाम क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन पे बेस करते हैं और जितनी ज़्यादा अच्छी फैक्टराइजेशन करनी आएगी उतनी ही आसानी के साथ एलसीएम और एसीएफ फाइंड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की स्टेटमेंट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी के की किस वैल्यू के लिए ये जो फैक्टर है एक्स प्लस फोर द एसीएफ ऑफ, ये एसीएफ होगा किसका, इस एक्सप्रेशन का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू के प्लस टू एंड दिस एक्सप्रेशन यानी टू एक्स स्क्वायर प्लस के है एक्स माइनस ट्वेल्व। ये दो एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं कि हमारे पास के की ऐसी क्या वैल्यू हो कि ये वाला जो फैक्टर है इसका, इसको हम लेट कर लेते हैं अगर पी ऑफ एक्स और इसको क्यू ऑफ एक्स, तो इन दो पॉलिनोमियल्स का क्या है एचसीएफ है, हमें ये फाइंड करनी के की वैल्यू। हम लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है इसको पी ऑफ एक्स का नाम दे देती हूँ एंड जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है उसको क्यू ऑफ एक्स का नाम टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस ट्वेल्व। अब ये दो एक्सप्रेशन है, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है जब एक्स प्लस फोर क्या हो ए सी है। हम लोग पहले रिमाइंडर निकाल लेते हैं, नाउ रिमाइंडर फोर एक्स प्लस फोर इज, यानी रिमाइंडर फाइंड करते हैं एक्स प्लस फोर फैक्टर के लिए। हम x प्लस फोर को क्या लिखेंगे जीरो के इक्वल और x यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस फोर। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम वाले और फैक्टर थ्योरम वाले प्रीवियस चैप्टर में किए थे, उसी तरह से इसको कर लेंगे। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस फोर और p ऑफ x में मैं क्या कर दूंगी माइनस फोर को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, माइनस फोर स्क्वेयर प्लस माइनस फोर इसमें सब्स्टिट्यूट करना है माइनस टू के, अंदर माइनस साइन मैंने ऑपरेट कर दिया साथ में माइनस टू के एंड माइनस टू, यहाँ से आ जाएगा 16, यहाँ से माइनस फोर माइनस टू के माइनस टू, 16 में से 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 माइनस टू के आ जाएगा।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको, क्योंकि ये हमारे पास रिमाइंडर आया है, अगर एक्स प्लस फोर ए सी एफ हो इसका, तो इट्स मीन ये एक्स प्लस फोर इसको कम्प्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए उस सूरत में, जीरो। हम यहाँ पे इस रिमाइंडर को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। इफ एक्स प्लस फोर इज एच सी एफ ऑफ पी ऑफ एक्स, देन तो रिमाइंडर पी ऑफ माइनस फोर किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल। तो हम टेन माइनस टू के को जीरो के इक्वल रख लेंगे, और यहाँ से टू के दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर टू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव। यानी के की फाइव वैल्यू के लिए जो ये वाला फैक्टर है इस पी ऑफ एक्स का ए सी एफ बन जाएगा। अब इसी तरह से हम क्यू ऑफ एक्स के लिए भी काम कर लेते हैं। नाउ रिमाइंडर फोर एक्स प्लस फोर इज एक्स, क्या आएगा हमारे पास माइनस फोर। अब इसको सब्स्टिट्यूट किस में करना है, क्यू ऑफ एक्स में। टू टू द, यहाँ पे आ जाएगा फोर का स्क्वायर 16 एंड 16 टू द 32, माइनस फोर के माइनस 12, और जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे हमारे पास 32 में से 12, तो मेरे पास आएगा 20 माइनस के माइनस फोर के। अब यहाँ पे भी यही लाइन आएगी, इफ एक्स प्लस फोर इज ए सी एफ ऑफ क्यू ऑफ एक्स, कि अगर एक्स प्लस फोर ए सी एफ हो किसका, क्यू ऑफ एक्स का, देन इसको उसको कंप्लीट एग्जैक्टली या कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेगा, तो इसलिए हमारा रिमाइंडर क्या होगा, जीरो के इक्वल। तो 20 माइनस फोर के को मैं जीरो के इक्वल रख देती हूँ, और यहाँ से 20 इज इक्वल टू फोर के आ जाएगा, और नेक्स्ट फोर दूसरा जाके डिवाइड हो जाएगा, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव। यानी दोनों पॉलीनोमियल में हमारे पास के की वैल्यू फाइव है, के की वैल्यू फाइव होगी तब ये x प्लस फोर जो है इन दोनों पॉलीनोमियल का क्या होगा, एच सी है। और हमने k की वैल्यूज फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, इफ x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इज द एच सी एफ, यानी ये फैक्टर जो है हमारे पास ये एच सी एफ है ऑफ पी ऑफ एक्स इस कंप्लीट पी ऑफ एक्स के, एंड इसी तरह से इस क्यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास x माइनस टू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस एल है। यानी ये दोनों ए सी एफ एस पी ऑफ एक्स के भी एंड क्यू ऑफ एक्स के भी। ए सी एफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये फैक्टर इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। तो हमने फाइंड करनी है के और एल की वैल्यू, तो हम यही ए सी एफ की कंडीशन को यूज करते हुए यहाँ से के की वैल्यू और यहाँ से एल की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स, और वो है एक्स प्लस थ्री टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के, माइनस थ्री एक्स प्लस के, एंड क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स माइनस टू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस एल। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे रिमाइंडर इसके लिए। नाउ x माइनस टू इज, अब यूजिंग हम क्या करें, पी ऑफ एक्स, एक्स माइनस टू को हम जीरो के इक्वल रखेंगे, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी टू, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी पी ऑफ एक्स में। यहां से फाइव आ गया, यहां से स्क्वेयर हो जाएगा टू टू द फोर, फोर टू द 8 माइनस थ्री टू द 6 प्लस के, यहाँ से 2 प्लस के आ जाएगा, नेक्स्ट 5 टू द 10 प्लस के। अब यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगी कि ये जो फैक्टर है ये क्या है, इसका HCF है, यानी x माइनस टू इज HCF ऑफ P of x, सो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल। यहाँ से मैं रिमाइंडर को जीरो के इक्वल रखूंगी, 10 प्लस के को मैंने 0 के इक्वल रख लिया, 5 टू द 10 एंड 5 के आएगा यहाँ।
और यहाँ से 10 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड 5 दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। हमने k की वैल्यू फाइंड कर लिया और वो क्या है, -2। यूजिंग q ऑफ x हमने यूज करनी है। नाउ रिमाइंडर 4x+3 इज, हमने अब x प्लस थ्री को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3, जो मैंने सब्स्टिट्यूट करनी है x क्यू ऑफ x में। यहाँ से -5 आ जाएगा, यहाँ से 3 था 9 एंड 9 3 था 27 एंड -7 3 था 21 माइनस एल। अभी 27 में से जब 21 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस एल, और 5 सब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 5 6 था 30 -30 एंड +5 l। अब यहाँ पे फिर वही हम लाइन लिखेंगे कि x प्लस 3 इज एच सी एल ऑफ q ऑफ x। सो जो आपका q ऑफ -3 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, तो -30 + 5 l को मैं 0 के इक्वल रख दूंगी और 5 l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30, और 5 जब यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6। और हमने l और k की ही वैल्यू फाइंड करनी थी और k की वैल्यू हमारे पास -2 आई है और l की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 6 आई। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है द एलसीएम एंड एसीएफ, यानी हमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एसीएफ ऑफ टू पॉलीनोमियल्स, दो पॉलीनोमियल्स का, एक पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स है, एक क्या है क्यू ऑफ एक्स का, क्यू ऑफ एक्स है, उसका हमें एलसीएम और एसीएफ दिया है। ये हमारे पास एलसीएम है एंड एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन हमारे पास क्या है, एसीएफ है। रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि फर्स्ट वाली फिगर जो है फर्स्ट की है और जो सेकेंड वाली फिगर है ये सेकेंड एसीएफ की है, यानी हमारे पास दो पॉलीनोमियल है पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स और उनका एलसीएम और एसीएफ, हमारे पास ये एलसीएम है और ये क्या है, एसीएफ है। इफ पी ऑफ एक्स और एक पॉलीनोमियल हमारे पास ये है तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक इम्पोर्टेंट यानी रिलेशन देखते हैं एसीएफ एंड एलसीएम के दरमियान, पहले उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एसीएम, इनके दरमियान रिलेशन ये है कि एलसीएम प्रोडक्ट एचसीएफ जिन एक्सप्रेशंस का या जिन पॉलीनोमियल्स का हम एलसीएम और एसीएफ निकालते हैं, ये एसीएफ और एलसीएम उसका प्रोडक्ट उन दोनों पॉलीनोमियल के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ये हमारे पास रिलेशन है कि हमारे पास अगर दो पॉलीनोमियल है एक पी ऑफ एक्स एक क्यू ऑफ एक्स और हमने उनका एलसीएम फाइंड किया है एंड हमने उसका एसीएफ फाइंड किया है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी ये वो उन दोनों पॉलीनोमियल के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसी रिलेशन को यूज करके हम ये क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, हमें एलसीएम दिया हुआ है और हमें एसीएफ दिया हुआ है। टू एक्स रेज टू पावर 4 -1 एसीएफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड पी ऑफ एक्स हमें एक पॉलीनोमियल दी हुई है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमने फाइंड क्या करना है, क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना। वी हैव, हमारे पास एक रिलेशन है या वी नो डैट, ये भी लिख सकते हैं, वी नो डैट कि एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। अब हमारे पास जिस जिस की वैल्यू मौजूद है या जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास है हम उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एलसीएम की जगह एक्स टू एक्स रेज टू पावर 4 इंटू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 -1 आ जाएगा एंड एसीएफ की जगह पे एक्स प्लस 1 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा और पी ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू आ जाएगी इंटू क्यू ऑफ एक्स. अब हमने क्यू ऑफ एक्स निकाला है तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये जो क्यू ऑफ एक्स के साथ पी ऑफ एक्स की वैल्यू आई दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन के साइन को मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने इनफैक्ट वैसे ही फैक्टर्स साथ लिखते हैं, इसका मतलब यही है कि फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई. और ये सारी जो पॉलीनोमियल है इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दिया. अब यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे वाले जो पॉलीनोमियल है हमारे पास एक्सप्रेशन है इसकी क्या करूँगी फैक्टराइजेशन करूँगी. यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा एक्स, और एक्स के बाहर आ गया तो जस्ट वन, यहाँ से वन कॉमन है तो एक्स प्लस वन. इंटू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे दो फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वन इसे कट जाएगा और एक्स प्लस वन इसे कट जाएगा तो बाकी रहेगा एक्स स्क्वायर टू इंटू एक्स रेज टू पावर फोर माइनस वन. तो हम लोगों ने जो सेकेंड वाली पॉलीनोमियल है वो फाइंड कर ली, वो टू इंटू एक्स रेज टू पावर फोर माइनस वन. जो क्वेश्चन नंबर नाइन है वो सेम क्वेश्चन नंबर एट ही की तरह है, वहाँ पे भी हमने यही रिलेशन यूज़ करना है कि एलसीएम का प्रोडक्ट एसीएफ के साथ इक्वल होता है फर्स्ट पॉलीनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पॉलीनोमियल, और इस रिलेशन को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर नाइन जो है वो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे. मैं क्वेश्चन नंबर टेन सॉल्व करती हूँ. क्वेश्चन नंबर टेन की स्टेटमेंट है लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एसीएफ ऑफ टू पॉलीनोमियल बी. यानी हमारे पास क्या प्रोडक्ट है किसका एलसीएम एंड एसीएफ का, टू पॉलीनोमियल्स का, ये एसीएफ और एलसीएम है हमारे पास और वो प्रोडक्ट इसके इक्वल है. यानी हमें एलसीएम और एसीएफ अलग अलग नहीं दिया, यहाँ पे उनका प्रोडक्ट दे दिया. ये वन पॉलीनोमियल इज एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू, एक पॉलीनोमियल हमारे पास क्या है एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस टू, एंड द सेकेंड पॉलीनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस फिफ्टीन, ये सेकेंड पॉलीनोमियल है. फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और हमने क्या करनी है इस के की वैल्यू को फाइंड करना है जो यहाँ पे सेकेंड वाली पॉलीनोमियल में है. यहाँ पे भी हम वही रिलेशन यूज करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ये चीज हमारे पास गिवन है, वो है एक्स प्लस थ्री का क्यू स्क्वायर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस फाइव. नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट पॉलीनोमियल है जिसको हम पी ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं. फर्स्ट पॉलीनोमियल एक्स प्लस थ्री है और इंटू एक्स माइनस टू, एंड इसी तरह से हमारे पास सेकेंड पॉलीनोमियल क्यू ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस फिफ्टीन, ये है. हमने वैल्यू फाइंड करनी है के की. वी नो डैट हमें रिलेशन पता है, जो रिलेशन क्वेश्चन नंबर एट में यूज़ किया उसी रिलेशन से क्वेश्चन नंबर नाइन भी सॉल्व होना है, वही रिलेशन यहाँ यूज होगा. वी नो डैट एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ ये किसके इक्वल होता है पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स. अब हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट ये है, यानी कंप्लीट ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, और हमारे पास पी ऑफ एक्स फर्स्ट पॉलीनोमियल की वैल्यू भी है एक्स प्लस थ्री, और दूसरे वाले पॉलीनोमियल की वैल्यू भी है एक्स माइनस, ये फर्स्ट पॉलीनोमियल की एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू है, और दूसरे वाले पॉलीनोमियल की भी ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस फिफ्टीन. हम लोग क्या करते हैं, जो ये फैक्टर्स हैं हम इनको यहाँ ला के डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पॉलीनोमियल रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस फिफ्टीन. नेक्स्ट ये फैक्टर इस फैक्टर से कट गया और एक्स प्लस थ्री यहाँ पे स्क्वायर है, इट्स मीन स्क्वायर का के नीचे दो फैक्टर्स हैं और नीचे वाला एक फैक्टर इस ऊपर वाले एक फैक्टर से कट जाएगा और यहाँ पे एक फैक्टर बाकी रह जाएगा एक्स प्लस थ्री, और साथ में एक्स प्लस फाइव एज इट इज आ जाएगा. अब नेक्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स. एक्स पहले एक्स से होगा और एक्स फाइव से मल्टीप्लाई होगा, फिर थ्री एक्स से होगा और थ्री फाइव से होगा तो फिफ्टीन आ जाएगा, और दूसरी साइड पे ये पॉलीनोमियल एज इट इज आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस फिफ्टीन. नेक्स्ट ये दोनों ऐड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फिफ्टीन,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15। अब ये सारी ऑब्जर्वेशन उठा के मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ। जब शिफ्ट करूँगी तो इन सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 15 हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया एंड 15 15 से कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, के एक्स माइनस 8x इक्वल टू जीरो। अब इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन निकल सकता है, x तो अंदर k माइनस 8 रह गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो इट्स मीन इनमें से कोई एक तो जरूर जीरो होगा, एक्स जीरो नहीं हो सकता। अगर एक्स जीरो हो गया तो सारी पॉलिनॉमियल ही खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सो एक्स तो जीरो नहीं हो सकता, के माइनस 8 वाला फैक्टर जो है वो जीरो होगा, और यहाँ से हमारे पास एक्स के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और हमने के की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, और वो वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसकी स्टेटमेंट है वकास विशेज टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी वकास के विषय को डिस्ट्रीब्यूट करे 128 बनानास एंड ऑल्सो 176 एप्पल्स इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यानी वकास चाहता है कि उसके पास जो 128 बनानास है एंड 176 एप्पल्स है इनको इक्वली डिवाइड कर दे कुछ चिल्ड्रंस में। फाइंड द हाइस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे, यानी हमने वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं या नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड करने हैं जिनको ये फ्रूट इक्वली क्या करेगा, मिल जाएगा। यानी एच सी एफ हमने फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ वर्ड से भी हमें पता चल रहा है हाइएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो बेसिकली हमें एच सी एफ फाइंड करना है। और एच सी एफ फाइंड करने के दो मेथड हैं, एक फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। तो हम यहाँ पे डिवीजन वाला मेथड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ बनानास कितने हैं, 128 एंड नंबर ऑफ एप्पल्स है 176। हम डिवाइड करते हैं 176 को 128 से, तो ये 128 ही यूज करेंगे, यानी 128 वन द 128। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा 48। अब 48 एक छोटा नंबर है, 128 एक बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है 128 अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम फिर अगेन क्या करेंगे, 48 टू द 96, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 32। अब 48 अंदर आ जाएगा तो 32 वन द 32, तो नेक्स्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा 16, और नेक्स्ट अंदर क्या आ गया, 32, तो 16 टू द 32। तो इट्स मीन हम क्या बताएंगे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे क्या है, 16 है, इक्वल टू 16। हु कैन गेट द फ्रूट इक्वल क्या आएगा, 16। तो हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, वो कितने हैं, 16। एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सीखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट आगे शेयर भी करें, बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।